A block of mass m equals to 1 kg is attached to free end of a spring whose other end is fixed with a wall performing the wall performing simple hum motion as shown in figure. The position of the block from O, this point O, is given as x equals to 2 plus 1 by root 2 sin 2t, where x is in meter and t in seconds. तो ये जो जगह है, ये x की वैल्यू ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग है, 1 by root 2 sin 2t के हिसाब से है. Now, where x is in meter हो गया, a shell of same mass is released from smooth circular path at a height of 80 cm. यहाँ से the shell collide elastically with the block and perform simple harmonic motion and finally reaches up to height of 5 cm along the circular path. फिर 5 cm तक पहुंच जाती है. Neglecting friction, find where the collision takes place. अब देखिए, सबसे आखिर लाइन पे ध्यान दीजिए, जो शेल है वो 5 cm की हाइट तक पहुंच जाती है और कहीं लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि टोटली काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि 5 cm की हाइट तक बाद में इसे पहुंचा सके. यानी कि अगर मान लो यहाँ इस जगह पर कोलिजन हो रहा है, टकरा के जब बॉल यहाँ जाएगी तो इस कर्व पाथ पर 5 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ जाएगी. जो भी वेलोसिटी से यहाँ मिली वही वेलोसिटी को कंजर्व करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, वो भी लॉस हो नहीं रहा. तो हम सिंपली लगा सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर देने लैक एनर्जी. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर देने लैक पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 0.05. तो एम से एम कैंसिल. सो हमारे पास जो स्पीड होनी चाहिए, जो इसको मिलनी चाहिए थी इस ब्लॉक से, वो निकल आई है. दैट इज 2 इंटू 0.05 इज 0.1, 0.1 इंटू जी इज 0.1 इंटू जी इज 1. तो वी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब इसको ब्लॉक से 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मिली. अब क्योंकि दोनों का मास सेम है, इसका मतलब इस ब्लॉक के पास भी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड रही होगी. अब इस ब्लॉक के पास स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड. तो ये हमारे पास ब्लॉक की स्पीड हम 1 मीटर पर सेकेंड रख के निकाल सकते हैं कि किस टाइम पर ऐसा हो रहा है. देखिए, जैसे कि एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स का, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय रूट 2 sin 2t. ये एक्सप्रेशन है. हमें पता चल गया कि ब्लॉक की स्पीड भी 1 मीटर पर सेकेंड होगी. तो पहले इसके लिए वेलोसिटी निकाल लो, ये जीरो हो जाएगा. 1 बाय रूट 2 इंटू 2 sin 2t का cos 2t, ये कितना गया, √2 cos 2t. नाउ आपको दे रखा है ये 1 मीटर पर सेकेंड, तो आप यहाँ से cos 2t निकाल सकते हो. डैट इज 1 बाय रूट 2 एंड देन 2t विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4, क्योंकि 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 पे आता है. और टाइम हो जाए, t हो जाएगा पाई बाय 8 सेकेंड्स. डैट इज t इक्वल्स टू पाई बाय 8 सेकेंड्स पे ऐसा हो रहा है. अब पाई बाय 8 सेकेंड्स पर उसकी पोजीशन क्या है, हम ये निकाल सकते हैं इसको यहाँ पुट करके. सो एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बाय रूट 2 sin 2 इंटू पाई बाय 8, ये 4 हो गया. सो वी गेट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 sin π/4 इज √2. सो वी गेट 3 मीटर. सॉरी, इसमें एक एरर हो गई, ये साइन पाई बाय 4 विल बी 1 बाय रूट 2 ना. तो ये 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 बिल्कुल 1 बाय 2. सो दिस विल एक्चुअली बी 2 प्लस 1 बाय 2, दैट इज 2.5. ये एक छोटी सी एरर हो गई, मैंने रूट 2 लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं. 2.5 मीटर पे हमारा आंसर आ गया. तो ये जो हम 3 बता रहे थे इसलिए मैं 2.5 लिख सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि साइन पाई बाय 4 कितना आया था, हमारा टाइम पाई बाय 8 आया था, और जो 1 होता है किस पे आया था, 1 बाय रूट 2. 1 बाय रूट 2 जो होता है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ पाई बाय 4 पे आए, 1 बाय रूट 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ जाता है, तो वो भी हमें टाइम निकालना चाहिए. मतलब उसको हम पार्ट भी मान सकते हैं. तरीके पहले तो 2.5 मीटर आ गया इसके आपसे. अब हम ऑल्सो केस 2 ले सकते हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कि टू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पाई बाय 4 चाहिए. तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 विल बी 7 पाई बाय 8. ठीक है, तो पाई बाय 4 तो कितना जाएगा हमारा, दैट इज 7 पाई बाय 8. टाइम विल बिकम 7 पाई बाय 8. तो इस टाइम पर भी कोलिजन पॉसिबल है. और फिर इसको रख के अगर हम देखें तो क्या आता है हमारा आंसर, वी गॉट द टाइम. सो वी गेट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 sin 2 इंटू 7 पाई बाय 8, 4 हो गया.
तो वी गेट 7 पाई बाय 4, तो 2 प्लस 1 बाय रूट 2, तो पाई बाय फोर इज 45, 7 जा तो दैट इज हाउ मच, 45 इंटू 315 आ जाएगा, दैट इज 360 माइनस 45, तो इट विल बी साइन 45 ओनली, बट इट विल बी नेगेटिव, ओके, माइनस का लेना पड़ेगा। सो अब आंसर आएगा 1.5 मीटर। तो दो आंसर होंगे जहाँ पर ये कोलिजन पॉसिबल है, या तो 1.5 मीटर या 2.5 मीटर।